कौम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। चलें, मैं आज एक अनदर टॉपिक के साथ आप लोगों के पास तशरीफ़ लाई हूँ और ये कुछ मेरा क्रिएटिव वर्क है। देखिए, बींग एज अ स्टूडेंट, इट्स नॉट ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट डाउन ऑल पुट ऑन या राइट ऑन ऑल थिंग्स, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। अब ये देखें, जैसे कुछ आर्ट वर्क है मेरा, ये मैंने लोगो बनाया था यूरोपियन कंट्रीज़ का। यूरोपियन यूनियन इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल यूनियन इन द वर्ल्ड। ये मैंने यूनियन का कंट्री का एक पेपर लिया था। पेपर में मैंने स्टार्स लगाए थे, स्टार्स पे मैंने कलर करके उसको एक खूबसूरत एक प्रेजेंटेशन मैंने दी थी। ये देखें, एक ये ज्योग्राफी का था। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ओवर डेकोरेट करें, उस पर आप थोड़ा बहुत कलरिंग भी करें तो ये भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए खूबसूरत लगती है। ये देखें, ये चीज़ एक प्रेजेंटेशन पे होता है। कलर्स आपके पास हर टाइप के होने चाहिए, कलरफुल कॉम्बिनेशन करेंगे। जैसे मैंने शेडिंग की है, ठीक है, शेडिंग पे ये है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस चीज़ को सामने रखें, मद्देनज़र रखें। उसके बाद ये है, कुछ स्टार्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अपने ऊपर कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर कोई नोटिस बोर्ड आपने बनाना है, कोई चीज़ बनानी है, तो जो वर्ड्स हैं उनको बड़ा बड़ा करके लिखें ताकि आपके लिए भी एक्सप्लेन करना आसान हो। अब ये मैंने एविएट बनाया था, यूनिवर्स इन द कॉन्टिनेंट्स। ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ें जो हैं आप एक सिंपल मार्कर के साथ भी थ्रू आउट आप लोग कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने ये बनाया था टीपू सुल्तान, ये लोगो था। अब आपके पास सवाल ये होगा कि मैंने बनाया कैसे। ये मैंने पहले एक कॉपी में बनाया था और कॉपी में मैंने इसको कट डाउन किया था इस तरीके से, तो ये ज़रा थोड़ी सी प्यारी और रिफाइंड प्रेजेंटेशन होगी थी मेरे लिए। कटिंग करके ना पेंसिल से मैंने बना के इसको कट किया था, तो ये आसानी से बन गया था। ठीक है, तो ये कुछ आर्ट वर्क की चीज़ें। आर्ट देखें, एक क्रिएटिविटी होती है जो आपके अपने माइंड से होती है, इसके लिए आपको स्पेशली कोई स्किल नहीं सीखना पड़ता। ये मैंने अपने स्कूल का लोगो बनाया था, देखें ये मेरा स्कूल का लोगो था जिसको मैंने एक रिफाइंड तरीके से प्रेजेंट किया। उसके बाद देखें, कुछ शेडिंग वर्क भी कर सकते हैं, जैसे ये मैंने मार्कर के साथ इस तरह किया। कोई भी अगर आपने बोर्ड बनाना है या कोई चीज़ बनानी है, उसको कलरफुल लगते हैं ताकि ये प्रेजेंटेशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी लग सके। ठीक है, आर्ट इज़ ऑल अबाउट योर स्किल्स, इट्स नॉट अबाउट दैट हाउ यू मेड द थिंग्स। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। चलें, ये मेरा शॉर्ट टॉपिक था आज का, तो इंशाल्लाह मैं फिर कल इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा एक आर्ट स्किल के साथ आऊँगी। होप टू सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।